नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन चौरसिया और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसे सफ़र पे जिसके रास्ते इतने खूबसूरत हैं तो आप सोच सकते हैं कि ये मंजिल कितनी खूबसूरत होने वाली है। और दोस्तों, आज हम रायबरेली से करीबन 50 किलोमीटर चलकर आए हुए हैं ऊंचाहाड़ क्षेत्र में और यहां पे आपको आज हम दिखाने वाले हैं रायबरेली ज़िले का गुकना घाट, जो कि ऊंचाहाड़ तहसील का काफ़ी पॉपुलर घाट माना जाता है। और आपको बता दें कि अभी हम चल रहे हैं ऊंचाहाड़ से जमुनापुर चौराहा को जाने वाले रास्ते पे। ये हमारा छोटा सा जमुनापुर चौराहा है और यहीं से हम एक तरफ मुड़ने वाले हैं गुकना घाट के लिए। और आपको बता दें कि ये जो सीधा रास्ता है ऊंचाहाड़ तिराहा से डलमो के लिए जाता है और महार से गोकर्ण गंगा घाट है, जो कि आपको 1 किलोमीटर की दूरी पर देखने को मिलता है जमुनापुर चौराहे से आने वाले रास्ते पर। और आप देख सकते हैं ये छोटा सा गंगा घाट है। आपको हमने बहुत सारे वीडियो में रायबरेली ज़िले का डलमऊ गंगा घाट दिखाया, गिगासो गंगा घाट दिखाया और यहाँ तक उन्नाव ज़िले का बक्सर गंगा घाट भी दिखाया था, लेकिन आपको मैंने कभी आज तक गुकना घाट नहीं दिखाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम आपको आज के इस वीडियो में ये प्यारा सा गंगा घाट रायबरेली ज़िले का दिखाएँ। इस वीडियो में चलते चलते आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें कि अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप मुझे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और दोस्तों, आप देख सकते हैं रायबरेली ज़िले का गुकना घाट है, बगल में गंगा जी बह रही हैं और काफ़ी प्यारा घाट है। आपको बता दें कि यहाँ पर आपको काफ़ी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलते हैं और ये महर्षि गोकर्ण के नाम से गुकना घाट पड़ा हुआ है और काफ़ी प्यारा घाट है। और यहाँ पे आपको छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। ये अवघड़ेश्वर नाथ का मंदिर है, देखिए काफ़ी पुराना मंदिर ये माना जाता है। और आपको तो पता ही होगा कि रायबरेली ज़िले में भी काफ़ी ऐसे प्रमुख स्थल हैं जिनके बारे में लोगों को नहीं पता है, तो ये यूट्यूब चैनल या आपको फेसबुक के थ्रू ही आपको इन सब जगहों के बारे में जानने को मिलता है। और आपको तो बताया है कि नोमैडिक सचिन ऐसा चैनल है कि जो आपको रायबरेली ज़िले के ज़्यादा से ज़्यादा प्रमुख स्थलों के बारे में जानकारी देता है। तो इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा आप सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ इस चैनल पर लाते रहें। और ये जो आपको गुकना घाट देखने को मिलता है, ये काफ़ी छोटा सा घाट है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि इस घाट के बारे में आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो आपको यहाँ की थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी, विकिपीडिया पे भी और गूगल पे भी, और यहाँ के फ़ोटो वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे छोटा सा गांव है गंगा घाट के बगल में और ये रास्ते देखे जा रहे हैं। और अभी हम दोस्तों आपको लेकर चल रहे हैं गुकना घाट के आगे करीबन 5 से 6 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिला है खरौली चौराहा। खरौली चौराहा से लगभग 1 किलोमीटर चलने के बाद मुझे मिला है वीर तीरपुर और वहीं पे बगल में आपको ये पीपे वाला पुल देखने को मिलेगा, जिसमें लोहे के बड़े बड़े पीपों से ये पुल तैयार किया गया है। रायबरेली ज़िले में ऐसा एक ही पुल है मेरे नॉलेज में जो आपको गंगा जी में ये पुल देखने को मिलता है और काफ़ी प्यारा पुल आपको नज़र आ रहा होगा। आपको बता दें कि जब गंगा जी में कम पानी होता है तभी इस पुल का निर्माण इस पार से उस पार जाने के लिए किया जाता है और काफ़ी शानदार पुल है, आप देख सकते हैं। और आपको बता दें कि बगल में वीर तीरपुर छोटा सा गांव है, उस पार भी कई गांव हैं तो जिनके लिए ये पुल बनाया गया है। और आपको बता दें दोस्तों कि बगल में एक नया पुल का निर्माण हो रहा है और 6 महीने के अंदर अंदर, उससे भी ज़्यादा लग सकता है टाइम। आधे पुल का निर्माण हो चुका है, आधे पुल का निर्माण हो रहा है बीच में, तो काफ़ी जल्द बगल वाला जो पुल बन जाएगा तब इस क्षेत्र के लोगों के लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और अभी इसी पुल का टेम्परेरी यूज किया जा रहा है, बाढ़ में इस पुल को हटा दिया जाता है और अभी इस टाइम आपको ये पुल देखने को मिलेगा। तो मैं भी काफ़ी एक्साइटेड था इस पुल को देखने के लिए और आखिर हम इस पुल पर चल ही रहे हैं। और काफ़ी प्यारी लोकेशन है रायबरेली ज़िले की, आपको पूरे YouTube पे इस जगह की ये वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, जो कि आपको सिर्फ नोमैडिक सचिन चैनल पे देखने को मिल रही है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जो बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आपके लिए हम ऐसे ही बेहतरीन लोकेशन के वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं, तो देख सकते हैं। और ये जो पीपे वाला पुल है, ये इस क्षेत्र की पहचान है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। और बगल में देखिए नए पुल का निर्माण हो रहा है और
ये जो गुकना घाट है, ये गुकना घाट ऊंचाहार तहसील के अंतर्गत आता है और गुकना घाट के आगे ही आप जाएंगे तो आपको डलमऊ गंगा घाट देखने को मिलता है, जो कि रायबरेली जिले का काफ़ी प्रसिद्ध गंगा घाट माना जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे अगर आप हमारे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की नई नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द मिल सके। और दोस्तों, मेरा एक नया चैनल है जो कि नोमैडिक सचिन ब्लॉग्स के नाम से है, आप उसे भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर हम आपको रोज़ाना एक ब्लॉग देते हैं और हम ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं, तो वहाँ पे आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन वीडियोज़ इस चैनल पर अपलोड करते रहें।